जी गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू अवर मोस्ट रेवर्ड गुरुजी डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर, डॉक्टर मिलिंद राव सर, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, अवर मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एमबी महादिक सर, डॉक्टर एस आनंद सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रेस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रेस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर सुमिता कुरुंदवड़े मैम ने अपना एक केस प्रेजेंट किया है, उसी को लेकर हम आज की ये VC करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी IHF फैमिली की ओर से मैम का वेलकम करते हैं। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग। नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। नमस्ते मैम, तो ओवर टू यू मैम, स्टार्ट करते हैं। जी सर, जी थैंक यू सर। वेलकम मैम। विद डीप ग्रेटिट्यूड टू ऑल द मेंटर्स इन दिस ग्रुप, मैं आज का केस शुरू करती हूँ। आज का केस फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस या क्विंजी का है। तो पहले मैं केस नरेट करती हूँ, फिर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस इवैल्यूएशन देख लेते हैं। तो 7 साल का एक बच्चा अपनी माँ के साथ मेरी केबिन में आया था। तो ये ऑलमोस्ट थर्सडे के दिन आया था, सुबह 11 बजे। उसकी मम्मी मेरी कजिन है, दूर की कजिन है, तो उनके साथ वो आया हुआ था। तो आते ही उसने मेरे टेबल पे जो वेबकैम पड़ा हुआ था उसको उठाया, तो माँ ने निकाल के उसको वापस टेबल पे रख दिया। फिर थोड़ी देर के बाद उसने हैंड फैन, जो मेरा हैंड फैन है ना, वो उसको उठाया। फिर माँ ने उसको भी निकाल के मेरे हाथ में दिया। फिर वो आके दोनों भी सेटल हो गए और बातचीत शुरू हो गई। तो माँ बोलती है, इसको 10 दिन से बुखार है और गले में दर्द होता है। दिन भर तो एकदम ठीक रहता है, खाता है, पीता है, सब कुछ, खेलता विलता सब कुछ करता है, और शाम को 6 बजे ही रोना शुरू हो जाता है, रोने लगता है। कुछ भी खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, बस रोते ही रहता है। ओके, रात को 1-2 बजे तक बस रोता है, जोर जोर से रोता है और बहुत करहाता भी है, ऐसे अः करते करते। फिर रात को 1-2 बजे के बाद फिर एकदम से सो जाता है। ओके, फिर दूसरे दिन उसका नॉर्मल रूटीन रहता है। शाम को 6 बजते ही उसका वापस से वो पेन, वो फीवर, और वापस से उसका वो रोना धोना शुरू हो जाता है। तो मैंने पेशेंट से पूछा, बस शाम को ही होता है क्या? ऐसे मैंने उस बच्चे से पूछा। तो बच्चा बोलता है, हाँ बस शाम को ही होता है। तो फिर मैंने पूछा, तो क्या किया इतने दिन? 10 दिन से तो इसको प्रॉब्लम है ना, तो क्या किया? तो माँ ने बोला, सब हो गया, 2 राउंड एंटीबायोटिक के दिए, ENT को भी दिखाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है। टैबलेट रहते रहते रहने तक कम होता है, लेकिन फिर इसका रोना शुरू। एंटीबायोटिक जब तक चालू है या फिर पेन किलर्स जब तक चालू है, तब तक वो ठीक रहता है। फिर बाद में उसका वापस से टैबलेट्स खत्म होते ही वापस सेम कंडीशन पे वो आ जाता है। तो एक्चुअली ENT ने ही इसको फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस है ये डायग्नोस करके करके ही वो आए थे मेरे पास। तो फिर मैंने पूछा कि जब दर्द होता है तो क्या लगता है तुमको? ऐसे मैंने बच्चे से पूछा। तो बच्चा बोलता है, इरिटेट होता है। तो फिर क्योंकि उसके गले में दर्द था और 7 साल का बच्चा है, तो मैं समझ रही थी गले में इरिटेशन होता होगा। तो मैंने पूछा, गले में या मन में? तो बोलता है, मन में इरिटेशन होता है। तो थोड़ा सा मुझे भी अजीब लगा। तो माँ बोलती है, इसको क्या समझता है, ऐसे कुछ नहीं है, बस रोते रहता है, इरिटेशन इरिटेशन कुछ नहीं, बस रोते ही रहता है। ऐसे इसने बोला, मन में कहाँ का इरिटेशन वगैरह। मुझे भी अजीब लगा था, 7 साल का बच्चा, क्या मन का इरिटेशन। तो फिर पेशेंट बोलता है, बिहेवियर से इरिटेट होता है। ओके, तो फिर मैंने पूछा कैसे? तो आंखों से अपने मम्मी की तरफ ऐसे 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 इशारे करके बता रहा है कि ऐसे इशारा किया उसने और बोला, बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, यानी मम्मी का बिहेवियर, बाजू में बैठी है ना, तो मम्मी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने बोला, यानी ठीक से बताओ। तो फिर बोलने लगा, इतना दर्द होता है, मैं बेड में रहता हूं, बुलाता हूं तो आना चाहिए ना, आना तो छोड़ दो, जवाब तो देना चाहिए। 5 मिनट में आती हूं, 10 मिनट में आती हूं, या काम में हूं, कुछ तो बोलना चाहिए। कुछ भी नहीं बोलती है। ओके, तो
तो फिर मैं फिर बोलता है जवाब भी नहीं तो इरिटेट नहीं होगा क्या, ऐसे इसने बताया मुझे। तो फिर मैंने बोला बस यही होता है या और कुछ, तो इसी बात की तकलीफ है और कुछ है इसको इरिटेशन। तो बोलता है बस ये ही ऐसे करती है, यानी मम्मी ही ऐसे करती है, पापा दादी अच्छे से बिहेव करते हैं, अब दर्द होता है तो माँ साथ में चाहिए ना, ऐसे बोल रहा है क्योंकि उसके पापा गांव गए थे, आउट ऑफ स्टेशन थे, तो वो बोल रहा है ऐसे। तो फिर बाद में मम्मी मम्मी को थोड़ा सा खींचा गया उसके बातों से, तो मम्मी बोलती है इसको कुछ कुछ खाने में के लिए चाहिए होता है, दिन भर स्कूल भी नहीं जाता ना, अभी बुखार है तो स्कूल कैसे जाएगा, तो स्कूल भी नहीं जाता है, तो सब खट्टा मीठा खाने के लिए चाहिए, सब वैरायटी चाहिए इसको दिन भर, तो वो सब बनाना पड़ता है ना, ऐसे मम्मी ने बोला मुझे। ओके, फिर और दिन भर ये खाता है और फिर शाम को वापस वापिस रोना शुरू हो जाता है इसका, ऐसे उसने मुझे बताया। तो मैंने उसका थ्रोट एग्जामिन किया तो थ्रोट बहुत ही कंजेस्टेड था, बहुत ज्यादा कंजेशन था, पूरे टॉन्सिलर एरिया में व्हाइट स्पॉट्स अभी भी बने हुए थे, और वो मुझे हाथ लगाने के लिए बिल्कुल, पालपेट करने के लिए तो बिल्कुल नहीं दे रहा था, पूरा सबमैंडिबुलर रीजन में और थ्रोट में पूरा उसको बहुत ही एक्सट्रीम टेंडरनेस था। तो इतना ही केस है ये। तो मैंने उसको हॉट फर्मेंटेशन, हॉट गार्गलिंग और सिर्फ लिक्विड और हॉट फूड लेने के लिए बोला 3 दिनों के लिए, और उसका फॉलोअप दूसरे दिन, मम्मी का फोन आया कि रात को उसको बुखार था 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, लेकिन पेन बिल्कुल नहीं था और वो एकदम कंफर्टेबली सो गया था, ऐसे उसने मुझे बोला। फिर संडे को रात को, ये थर्सडे की बात हुई, फ्राइडे को तो वो ठीक है ऐसे फोन आया था, संडे रात को 10 बजे उसकी मम्मी मुझे फोन किया उसने, और बोला कि 2 दिन तक तो ठीक था लेकिन अभी अचानक ही वो रोने लगा है, बहुत दर्द कर रहा है, ऐसे उसने बोला। तो मैंने पूछा कि खाने में कुछ गड़बड़ी हो गई थी क्या, क्योंकि 3 दिन मैंने उसको हॉट फूड लेने के लिए बोला था। तो बोला कि आज पापा है ना उसके गांव से, तो उनके साथ बाहर गया था, पता नहीं दोनों मिलके क्या खा के आए, बता भी नहीं रहा है, मैंने कितना पूछा लेकिन दोनों भी नहीं बता रहे, शायद बाहर से ही कुछ खा के आए होंगे तभी ये दर्द हो रहा है। तो दूसरे दिन मैंने उनको वापस बुलाया, वैसे भी मुझे री एग्जामिन करना था उसको, तो फिर मैंने उसको मंडे को वापस बुलाया और 1 mg का एक ही सिंगल डोज दिया उसको, पहले 200 में दिया था 3 डोजेस एक दिन के लिए, फिर अभी मैंने 1 mg का एक ही डोज दिया, फिर दूसरे दिन बच्चा एकदम ठीक था, बाद में उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। 4 दिनों बाद आए वापस से, गला एग्जामिन करके लिया उन्होंने, तो पूरा क्लियर हुआ था। तो ऐसा ये केस है, तो आप लोग अपना एनालिसिस देंगे प्लीज। हाँ जी मैम, मैंने अभी ना अपने केस नोट किया, तो मैंने सात सात रूब्रिक बनाए हैं, ओके सर, उसमें मर्क्सोल और नक्स जैसा आ रहा है, लेकिन इसमें ज्यादा प्रोमिनेंट मर्क्सोल लग रही है। ओके सर, आपने क्या लिए थे? फर्स्ट रूब्रिक है जो माइंड टचिंग इम्पेल्ड टू टच एवरीथिंग, जी सर। दूसरा रूब्रिक लिया है वीपिंग पेन विद, दूसरे थर्ड रूब्रिक है माइंड मॉर्निंग पेन, माइंड मॉर्निंग पेन फ्रॉम, फोर्थ ओके सर, इरिटेबिलिटी है, और लास्ट सेकंड लास्ट है गवर्नमेंट, और फिफ्थ रूब्रिक है कॉम्पिटेंट डिजायर। कंपनी डिजायर, ओके एक हाँ लास्ट मैंने जो थ्रॉट चैप्टर से लिया है वो लिया है थ्रॉट टॉन्सिल्स कंप्लेनिंग ऑफ, तो इसमें मर्क्सोल आ रही है। ओके अच्छा सर, ओके सर, नाइस एनालिसिस सर, रूब्रिक थैंक यू। अच्छे हैं सर आपके, थैंक यू सर। और कोई डॉक्टर शेयर करेंगे अपना एनालिसिस? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ, ये जो पेशेंट है वो आपने अभी 7 साल का है, और आते ही उसने आपको वेबकैम को छुआ, और उस टाइम उसकी माँ ने क्या किया, वो लिया और वो आपके पास दिया, और बाद में उसने वो फैन लिया, तो मैं मदर को उसके डर है कि वो डिस्ट्रक्टिव है, तो उसको ऐसा उसके हाथ से सब वो चीजें बचना चाहिए, इसलिए उसने आपकी आपके तरफ वो दे दिए, तो बच्चा डिस्ट्रक्टिव जरूर होगा ऐसा मुझे लगता है। और ये इसका ज्यादा नखरा चालू है, मम्मी
इसको प्रिकॉशियस ज्यादा है बच्चा, और बोलने की स्टाइल कैसी है कि हाँ ऐसा करना चाहिए ना वैसा करना चाहिए, जैसे बड़े बोलते हैं वैसा ही इतने 7 साल की उम्र में बोल रहा है, तो प्रिकॉशियस प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन मार्क लगा। और ये खाने में वो खट्टी मीठी चीज चाहिए, वो कुछ भी ऑर्डर करता है वो खाता है, तो गवर्नमेंट भी है। और बीच में भी उसने आपने मनाई किया था कि कुछ खाना नहीं है, तो 3 दिन के पहले ही उसने पिज्जा खाया और वो बताया भी नहीं, तो दोनों वो चुपके से लायर भी है थोड़ा ऐसा है। और एक वो मॉर्निंग चालू है और वीपिंग दिन भर रहता है, शाम चालू होती है तो उसका वीपिंग चालू होता है, और रात में मिडनाइट के पहले भी उसका चालू रहता है, और मिडनाइट के बाद वो सब बंद होता है और वो सो जाता है। फिर ऐसे हर रोज शाम को चालू है तो। और इसका वो पेंसी का ये सब लेके मुझे तो ये मर्क लगता है, क्या कि आप बताएं कि नहीं। ओके मैम, बढ़िया मैम, बढ़िया, थैंक यू मैम। और कौन शेयर करेंगे? और कोई बोलेंगे? एकदम सिंपल केस है, बोलिए ना। जी जी बताइए प्लीज। जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। तो मैम जैसे ही आपने बताया था क्लिनिक में बच्चा आया, तो वो जैसे उसने आपके वेब कैम को हाथ लगाया, फिर फैन को हाथ लगाया जो आपका छोटा फैन था, तो मैम उसके लिए लिया था कि टचिंग इम्पेल टू टच। और मैम जैसे वो कहता है कि मतलब उसकी मदर कहती कि काफी सारी चीजें डिमांड करता है वो, है ना, वैरायटी, तो इसके लिए मैम गोरमेंट लिया था। और मैम जैसे वो कहता है कि मतलब मेरी मम्मी मेरे पास रहे उसकी एक्सपेक्टेशन रहती है, तो मैम उसके लिए लिया था कि कैरेट, डिजायर टू बी कैरेट। और मैम डिक्टेटोरियल भी थोड़ा सा लगा कि मतलब जैसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, पापा भी हैं, तब भी वो कहता है कि नहीं मम्मा आप ही जैसे वो मेरे पास बैठो। और थोड़ा सा मैम जैसे मिशीवियस भी लग रहा था, तो मैम मेरा मर्क्सॉल और वेराट्रम ऐसे दोनों डीडी में है। मिस्चिवियस क्यों लगा मैम आपको? या मैम जैसे जैसे मैम पूरा दिन नॉट एग्जैक्टली मिशीवियस कि मैम पूरा दिन खेलता है और वही शाम को ही उसका मतलब रोना स्टार्ट होता है, कोई अटेंशन सीकिंग है या कुछ, और फिर रोते रोते सो भी जाता है, तो मैम थोड़ा सा हाँ। कैरेट डिजायर टू बी कैरेट का कैसे होता है ना मैम, कि उसको किसी ने कैरी करना चाहिए तो उसको सुकून मिले। यानी जनरली इसमें ना पेशेंट अपने आप से कुछ ट्राई करके आएगा और फिर किसी से कैरी होना चाहेगा। वो एक्टिव रूब्रिक है मैम, वो बंदा खुद कैरी होना चाहता है तो वो खुद पहले एफर्ट्स लेता है। समझो अभी बच्चा छोटा बेबी है, वो बेड पे सोया हुआ है, और उसको हम लोगों ने कैरी करना चाहिए। अगर उसको ऐसे लगता है तो वो हाथ उठाता है, राइट? जो खड़ा रहता है बच्चा, वो भी देखिए ना, अगर उसको कैरी करना है ऐसे, उसकी उसकी डिजायर है, तो वो हाथ ऐसे ऊपर करेगा या फिर अपने पैर ऐसे, वो हील्स अपने उठा के मुझे कैरी करो ऐसे ये करता है। यहाँ पे वैसे नहीं है ना मैम, वो खुद कुछ एफर्ट्स ले रहा है क्या? आपको दिखा कुछ एफर्ट्स वो नहीं बच्चा नहीं मैम, ठीक नहीं होने के नहीं मैम, लिए? हाँ, वो खुद पहले नहीं देगा, वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, वो उसको रिलीफ नहीं दे रहा है, तब वो डॉक्टर के पास आएगा और वो बोलेगा कि आप मुझे कैरी करो, यानी आप मेरे लिए कुछ करो कि मैं इस सिचुएशन से निकल के कंफर्टेबल सिचुएशन में चला जाऊं। तो हमेशा मैंने जो सीखा है मेरे सीनियर्स से, कैरी डिजायर टू बी कैरी में उसके एफर्ट्स कुछ ना कुछ तो दिखने चाहिए। यहाँ पे वो बच्चा कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, वैसे वो सिंपल कंपनी मांग रहा है, माँ आके बैठे। ऐसे उसने कहीं पे भी बोला नहीं कि मुझे लैप पे ले, मुझे
मैं सर, सर अभी 7 साल का बच्चा है तो लैप में तो नहीं बैठ सकता, ये तो पक्का है, लेकिन एटलीस्ट सर तो लैप में रख सकता है, मम्मी को पकड़ के सोना, ऐसे कुछ भी हिस्ट्री में नहीं आया है ना। वो बस बोल रहा है कि माँ आके उसके साथ बैठे। यस मैम। हाँ, आपके बाकी के रूब्रिक्स बहुत अच्छे हैं मैम। और कोई बोलेंगे आप लोग आके, आगे आके बोलेंगे ना तो हम लोग रूब्रिक्स में डीडी कर पाएंगे। प्रवीण सर एनालिसिस बोलू मैं? हेलो, हेलो जी मैम। यस ओके सर, ओके ठीक है सर, मैं अपना एनालिसिस शुरू करती हूँ। तो देखिए, काफी लोगों ने बराबर रूब्रिक्स उठाए थे, बहुत ही सिंपल केस था और अच्छे से सबने एनालाइज भी किया है। तो पहले तो ये बच्चा अंदर आते ही इधर उधर वो हाथ लगा रहा था। ये बच्चा हमेशा ही जब भी क्लिनिक में आता है ना, वो हर एक चीज को हाथ लगा के देखता है। इवन मेरे अभी लैपटॉप में हम लोग सॉफ्टवेयर पे काम करते रहते हैं, तो इधर इस साइड में आएगा वो देखेगा, यहाँ पे मेडिसिन का ड्रॉर है तो उसमें भी वो झांक के देखेगा क्या है, उसको हाथ लगाएगा, हमेशा ही ऐसे करता है। ओके, तो टच इम्पेल टू टच एवरीथिंग चिल्ड्रन ने लिया था। ये बच्चा मम्मी क्या बोल रही है कि शाम को 6 बजते ही इसका रोना शुरू हो जाता है, यानी उसको पेन भी तभी शुरू होता है, फीवर भी रहता है। ओके, तो वीपिंग पेन्स विद और मॉर्निंग पेन्स फ्रॉम, वो कराते कराते सो जाता है, ऐसे उसकी मम्मी बोल रही है। जब मैंने उसको पूछा कि तुमको क्या लग रहा है, तो वो बोलता है इरिटेट होता है और मन में इरिटेट होता है, और दिखाता कैसे, देखिए आंख से वो अपने मम्मी की तरफ इशारा कर रहा है, यहाँ पे मम्मी से वो डर रहा है या फिर अटेंशन सीक करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे कुछ भी नहीं है। वो अपने मम्मी को आंख से दिखा रहा है कि मुझे इससे प्रॉब्लम है। ओके, मुझे इससे प्रॉब्लम है। अगर वो डर के मारे रहता ना, तो मैं मम्मी को बाहर भेजती, केबिन के बाहर भेजती, तब वो बच्चा कंफर्टेबल होता, या फिर वो कुछ भी बोलता भी नहीं, ऐसे मन में इरिटेट होता है वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं बोलता था वो। ओके, ये काफी बोल्ड बच्चा है, माँ को मुंह पे बोल रहा है ये, राइट। इसलिए ये मुझे ये नहीं लगा, सॉफ्ट नहीं लगा, या फिर जो पल्सेटिला की तरफ गए थे ना कुछ लोग, तो वहां पे वो कैसे हैं, एकदम लवी डवी बेटा या बेटी होते हैं, बच्चा होता है, तो ऐसे नहीं था, ये मुंह पे बोलने वाला बच्चा था। तभी मम्मी के बारे में बिंदास कैसे बोल दिया उसने पूरा, राइट। तो आंख से वो दिखा रहा है, कितने साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, और बोलता है 5 मिनट में आती हूँ, 10 मिनट में आती हूँ, कुछ तो जवाब तो देना चाहिए। और इसी से प्रॉब्लम है, पापा और दादी से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो इसको ठीक से बिहेव करवाते हैं, ऐसे इसके मन में है। तो मैंने यहाँ पे हॉटी लिया, ओके हॉटी लिया, 7 साल का बच्चा इतना सब एक्सपेक्ट कर रहा है, बड़ों की तरह उसको ट्रीट करना चाहिए, आदर देना चाहिए, जवाब देना चाहिए, नहीं आदर आना तो चाहिए ना, इधर बैठना तो चाहिए ना, ऐसे बोल रहा है वो। सो हॉटी लिया और अब्यूजिव इंसल्टिंग, यानी वो मम्मी को ऐसे आंख से, क्या ना आंख से ऐसे नहीं दिखाना चाहिए था उसने। तो ये थोड़ा सा हाउ वाला रूब्रिक था, ऑब्जर्वेशन वाला रूब्रिक था। तो ये और मम्मी के बारे में ऐसे वो बोल रहा है, मम्मी को इंसल्ट फील हो रहा था, तभी वो खिंच गई, थोड़ा सा उसको भी चिढ़ आ गई थी लास्ट में। तो अब्यूजिव इंसल्टिंग लिया मैंने, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, मम्मी मेरे बाजू में रहनी चाहिए ये उसकी इच्छा है, लेकिन वो नहीं आ रही है। ओके, मेरे लास्ट सेशन में एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम और एंगर व्हेन थिंग्स डू नॉट गो एज पर हिज विल, इसमें डीडी पूछा था किसी ने, तो मुझे ये केस में वो मुझे याद आया उस सेशन का। तो देखिए, यहाँ पे मम्मी उसकी आ ही नहीं रही है, जवाब भी नहीं दे रही है, इसको जो एक्सपेक्टेशन है बराबर उसका उल्टा हो रहा है, उसको मम्मी यहाँ पे चाहिए लेकिन यहाँ पे मम्मी नहीं आ रही है, इसका इसको एंगर है। ओके, और अगर एंगर व्हेन थिंग्स डू नॉट गो एज पर हिज विल होता है ना, वहां पे मम्मी आएगी लेकिन उसको मम्मी अपने साथ चाहिए, वो निकल जाएगी, आएगी जरूर, पूरा ऑपोजिट नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन उसके मन के हिसाब से
सब कुछ नहीं हो रहा है, राइट। मम्मी आएगी, थोड़ी देर बैठेगी, 2 मिनट बैठेगी, वापस कुछ काम है बोल के वो उठ के चली जाएगी। तो ये एंगर व्हेन थिंग्स डू नॉट गो एज पर हिज विल, उसको मम्मी हमेशा उसको साथ में चाहिए। जब तक बुखार है, जब तक पेन है, मम्मी उसको चाहिए है, तभी वो बुला रहा है इतना, लेकिन वो नहीं आ रही। ये दोनों रूब्रिक्स ऐसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, उसको मम्मी की कंपनी चाहिए या फिर कोई तो उसको साथ में चाहिए जब फीवर है, ओके। तो कंपनी डिजायर फॉर, और उसको खट्टा मीठा खाना है, ये सब लोगों ने लिया था, गोरमांड है। जनरलिटीज में इवनिंग एग्रीवेशन ऐसे एक रूब्रिक है, जनरलिटीज में इवनिंग एग्रीवेशन, और जनरलिटीज में नाइट मिडनाइट बिफोर एग्रीवेशन, ऐसे इन रूब्रिक्स पर से मैंने उसको मर्कसोल 200 तीन डोजेस दिए थे एक ही दिन के लिए, और उससे उसका उसको काफी रिलीफ भी मिल गया था। तो ये ऐसे है। किसी को कुछ क्वेश्चन या क्वेरी है क्या इसमें, कुछ डाउट? मैम, हम लोग इसमें माइंड में वीपिंग इवनिंग नहीं ले सकते, मतलब जनरलिटीज से पिक करना ज्यादा बेटर है रादर देन माइंड? वैसे नहीं मैम, कैसा है ना, कभी कभी अगर फिजिकल्स में हम लोगों को कुछ रूब्रिक्स मिलते हैं जो पेक्यूलियर हैं। अभी देखिए, इसका रोज शाम को 6 बजे ही शुरू होता है और रात को 1-2 बजे ही बंद होता है, ये उसका पेक्यूलियर है ना मैम, तो इसलिए इसको मैंने उठाया था फिजिकल्स में से। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, वो वीप क्यों कर रहा है, हम लोगों को हमेशा ना मैं क्या करती हूँ, 5 वाई मेथड यूज करती हूँ। यानी कैसे होता है ना, जब हम लोगों को किसी के कॉज के, एक इवेंट है उसके कॉज तक अगर पहुंचना है ना, तो एक क्वालिटी टूल है ये। उसमें ना हम लोग एक सिचुएशन को 5 बार क्यों ऐसे हो रहा है ये क्वेश्चन डालते हैं, तो हम लोग रूट कॉज तक जाते हैं। ये एक कंसेप्ट है जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी में जो काम करते हैं ना, वो लोग ये टूल यूज करते हैं, 5 वाई मेथड बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे, मैं हमेशा अपने केसेस में ऐसे देखती हूँ कि ये बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है, उसको पेन है इसलिए रो रहा है, बराबर है ना। तो वो उसका टेंडेंसी वीपिंग का नहीं है मैम, अगर उसका वीपिंग का टेंडेंसी होता ना, अगर माइंड में से वीपिंग लेना है, तो वो दिन भर रोना चाहिए, हर एक बात पे रोना चाहिए, ऐसे नहीं है। वो सिर्फ जब पेन होता है तभी रो रहा है, और उसको पेन कब है, इवनिंग में है। तो इस केस में पेक्यूलैरिटी क्या है, पेन, और वो भी इवनिंग की है, इसलिए मैं जनरलिटीज में इवनिंग एग्रीवेशन लिया मैम मैंने। ओके, यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम, जैसे उसको अपने सिर्फ स्पेसिफिकली मदर का ही ज्यादा है कि उसको मदर की ही अटेंशन ज्यादा चाहिए, तो इस चीज पे फोकस नहीं करेंगे इसमें? हाँ, तो फिर कैसे है ना, उसके डैडी गांव गए थे, वो थे ही नहीं गांव में, और ये बीमार पड़ गया था। तो जब बीमार होते हैं तो रेयरली बच्चे दादी के पास जाते हैं ना, नहीं तो जनरली मम्मी को ही बुलाते हैं। हाँ जी, और मैं तो उसको रात को जब तकलीफ होती है तो मम्मा के साथ ही होते हैं ना बच्चे। हाँ जी, रात को तो आ जाती होगी उसकी मम्मा। नहीं, वो हाउसवाइफ है मैम। नहीं मैम, जैसे मतलब रात को जब वो काम वगैरह करके आ जाती होगी, तब तक आई थिंक वो सो गया होता होगा। हाँ, आ ही जाती है, वो रहती है उसके साथ। जब अब देखो घर में जब खाना पीना ये जब करने का वक्त होता है, 6 के बाद ही हम लोग जनरली रसोई करते हैं ना, तो फिर उस वक्त कैसे मम्मी उसको अटेंड करेगी। लेकिन उस बात पे इसको गुस्सा आ रहा है, वो उसका पीपीपी है मैम, वो जो बोल रहा था ना, उसको उसका वो प्रेजेंट प्रीडोमिनेंट और परसिस्टिंग फील था, इसलिए वो मैंने कंसीडर किया। रात को तो वो रहती होगी उनके उसके साथ। हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच। जी, और बताइए। चाइल्ड का मैं जर्नी बना रही हूँ, फिर कभी और एक केस है मेरे पास, वो मैं प्रेजेंट करूंगी ना।
फिर कभी तब मैं जर्नी भी लूंगी उसका, मक्सॉल के चाइल्ड का। जी मैम। प्रवीण सर आपको कुछ ऐड करना है तो? नहीं नहीं मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया है सब। प्लीज आप लोग कोई क्वेरी है तो प्लीज बोलिए। जी ओके सर, वाइंड अप करते हैं फिर। हाँ बिल्कुल करते हैं मैम। काफी लोगों ने मर्कसॉल क्रैक किया था, बहुत ही सिंपल केस था। सबसे पहले मीरा सुप्रेकर मैम ने फर्स्ट शॉट में ही उनका मर्कसॉल आ गया था। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी पीपल हु हैव क्रैक्ड इट। और रूब्रिक्स भी सभी लोगों के अच्छे थे, सबके एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए भी थैंक यू। जी मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा केस था। और मर्क के बारे में और एक लेक्चर जरूर लेना, जो भी आप बताती हैं वो बहुत अच्छी तरह बताती हैं, क्लियर सब। थैंक यू मैम। नहीं मैम लूंगी मैम, पक्का। आपने वो हॉटी भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। पहले लग रहा था मैम कि शायद वो डोमिनेशन में तो नहीं है, फिर लगा कि नहीं मतलब, पर आपने वो क्लियर कर दिया मैम, थैंक यू। वो मर्कसॉल का वैसे ही होता है मैम, इतना वो इरिटेट, इसीलिए वो अब्यूजिव इंसल्टिंग, वो पेरेंट्स को भी अजीब हो जाता है। उसकी मम्मी भी इरिटेट हो गई, देखिए ना कैसे बोल रहा है ना वो मम्मी के बारे में, जैसे उसको अटेंड नहीं करती है क्या, जी भी मैम। इरिटेट हो गई। तो उसका जो ना वो कॉन्ट्ररी, यानी एक पेशेंट था उसके डैडी बोलते थे पूरा घर, उनके घर में ऑलमोस्ट 11 to 12 पीपल, तो ये बच्चा जो है ना, ये बच्चा पूरे 10 लोग एक तरफ रहते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके उनके कॉन्ट्रडिक्शन में जाएगा, इतना कॉन्ट्ररी बच्चा होता है वो मर्कसॉल का। वो भी ऐसे ही कुछ 10 या 11 साल का बच्चा है, पूरे 10 लोग एक तरफ रहते हैं और वो अकेला बच्चा एक तरफ रहता है, लेकिन वो लड़ाई करता है, आर्ग्यूमेंट करेगा, वो छोड़ेगा नहीं। मैम आपने कैरेट डिजायर भी आज बहुत अच्छे से समझाया है, आज याद रहेगा। थैंक यू सो मच। मैंने वो रूब्रिक मनोज सर से ही सीखा है, मनोज जायसवाल सर से ही सीखा है। गुड इवनिंग सर, हार्दिक सर आप थोड़ा ऐड कीजिए ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, मैं जस्ट ज्वाइन किया, मुझे कुछ मालूम नहीं। सर आपको केस भी पता है, ड्रग भी पता है, सब मालूम है, लेकिन अभी मैं ऐड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सामने पेशेंट भी है। ओके ओके सर, ओके सर, सो सॉरी, सो सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं सर, दो पेशेंट के बीच में एक मिनट मिला है उसमें ज्वाइन हुआ हूँ, बाहर पेशेंट बैठा है। वो बोलेगा डॉक्टर बेटा के बाहर अंदर क्या बकबक कर रहे हैं। कोई बात नहीं सर, चलेगा चलेगा, नेक्स्ट टाइम जरूर ऐड करेंगे। यस सर श्योर, मैं सुनता हूँ, आप चालू रखो। सर हो गया है ऑलमोस्ट, क्वेरी सॉल्विंग भी कर दिया। तो फिर अच्छी बात है, हम लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे। लेट हो गया ना ज्वाइन होने को मेरे। हाँ सर, हाँ जी जी सर। तो
डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर सुमिता कुरुंदवड़े मैम. बहुत ही प्यारा सेशन था मैम. मर्कसोल का मतलब इस तरह का थोड़ा एक सटल लेवल में था, जिस तरह से हम उसको देखते हैं ना, बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, बहुत अलग उस तरह से होता है. उस तरह का बच्चा नहीं था, लेकिन था वो, लेकिन बहुत सटल लेवल में था. जैसे महादीक्षा का, इग्नेशिया का केस था, और सुराइनम का, दिलीप जानी सर का केस था. कि सुराइनम हमको उस तरह से मिलता नहीं है, कि उस तरह से इतना डेमोस्ट्रेटिव होता है. तो इसी तरह मतलब मर्कसोल बहुत सटल लेवल पे भी बहुत इस तरह से डिस्ट्रक्टिव हो सकता है. वो हमारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है. तो बहुत प्यारा केस था मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ग्रेटिट्यूड मैम. और अभी मैं